हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे प्रोक्सिमिटी सेंसर का वर्क किस आधार पे होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो ये हमने इसमें सप्लाई ऑन कर दिया है इसके आगे जैसे ही, तो अभी सप्लाई के लिए आप जैसा देख सकते हैं ये वर्क में है। तो हम इसकी डिस्टेंस नापेंगे कि कितने डिस्टेंस से कितने एमएम दूरी से ये वर्क दे रहा है। तो इसके लिए ये आगे हमने स्केल लगाया है, ये यहाँ पे 0 0 पे स्केल ऐसा एकदम बॉटम पे है, इसकी वजह से स्केल लगाने के बाद भी ये इंडिकेट नहीं कर रहा है। और जैसे ही स्केल इसके सामने आता तो इंडिकेट कर देता है, ये बॉटम पे नीचे है इसलिए इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो अभी जैसा हम इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं, वो भी लोहे की धातु का होगा, तो यहाँ से जैसे हम इसको आगे लेके चलेंगे तो किस डिस्टेंस पे जाके शो कर ऑन होता है। अभी ये ऑन हो गया है, तो ये लगभग 20 सेंटीमीटर पे 20 एमएम पे आके ये इंडिकेट कर दिया। तो अब यहाँ पे 20 एमएम पे इंडिकेशन कर दिया है 20 एमएम पे, तो 20 एमएम की, लेकिन हम इसको 20 एमएम पे कभी भी नहीं लगाते हैं, हम सीधा सीधे आके हम इसको 10 एमएम पे सेट करते हैं। तो उससे क्या है, ये हमारा जो प्रोक्सिमिटी स्विच है ये तो फिक्स रहता है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट मान लीजिए स्किप के लिए हम लगाते हैं तो स्किप कभी थोड़ा इधर हो गया कभी इधर हो गया, अब ज़्यादा पास में रहेगा तो इसको टूटने का भी डर रहता है, तो इसलिए कम से कम 10 एमएम की डिस्टेंस में इसको सेट कर देते हैं। और उसके बाद अभी यदि ऑब्जेक्ट ऊपर से आ रहा है, मान लीजिए स्किप पे ही आप समझिए, तो ये स्किप के ऊपर साइड से आ रहा है तो जितना पास से आएगा उतनी जल्दी इंडिकेट कर देगा, लेकिन यही जितना दूर से आएगा उतनी सेंटर पॉइंट पे आने पे इंडिकेट करेगा। अभी देखिए जैसे ये सेंटर पॉइंट से पहले इंडिकेट नहीं है, ये सेंटर पॉइंट से पहले है तो इंडिकेट नहीं है, तो अभी ये जैसा सेंटर पॉइंट पे पहुंचेगा इंडिकेट आ गया ये यहाँ पे। अब जैसे इसके पास से लेके आते हैं तो ये थोड़ा अंदर आते ही इंडिकेशन आ जाता है। अब यहाँ से इसके पास में लाते हैं तो इंडिकेशन जल्दी है, अब इसको इतनी डिस्टेंस से लाते हैं सेंटर पॉइंट पे आने पे इंडिकेट करेगा। तो हम यदि ये 10 एमएम पे इसको सेट करते हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सेंटर के आसपास इंडिकेट भी करेगा और फर्स्ट में भी इंडिकेट कर देगा। लेकिन हम इसको 20 एमएम पे करेंगे तो हमको प्रॉब्लम क्रिएट ज़्यादा होगी, और ज़्यादा पास में करेंगे तो इसके पास आते ही इंडिकेट कर देगा और मोटर ऑफ हो जाएगी, जैसे ही थोड़ा बहुत उसमें प्ले होगा हलचल होगी तो ये छोड़ देगा। मान लीजिए स्लैक फॉल्ट के लिए है तो ये जब छोड़ देगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर से सेट करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे ऑप्शन बेस्ट है 10 एमएम पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर को स्विच कर सेट करें, आप लोगों को प्रॉब्लम कम आएगी। बाकी इसमें वोल्टेज के लिए लिखा हुआ है, ये दो फंक्शन पे वर्क करता है, आप 1/1/3 जो है इस पर आप प्लस देंगे और 2/4 पे भी प्लस का ऑप्शन है, यानी जस्ट अपोजिट करने से यहाँ पे जो इसका दिया हुआ ऑन का ऑफ का, यदि 1/3 जो है इस पर हम प्लस देते हैं, क्लियर, यहाँ पे यदि हम प्लस देते हैं, प्लस का वायर जो कनेक्ट करते हैं और इस यहाँ पे हम यदि 2/4 पे हम माइनस कनेक्ट करते हैं तो ये ऑफ कंडीशन में रहेगा, जैसे कोई इसके पास ऑब्जेक्ट आएगा उस कंडीशन में ऑन होगा। यदि यहाँ जस्ट अपोजिट कर देते हैं 2/4 पे प्लस और 1/3 पे माइनस कर देते हैं तो इस पे इसका रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, एक
ऑलरेडी ऑन रहेगा, ये ऑन रहेगा, जैसे इसके पास ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑफ हो जाएगा। अभी क्या है, हमने इस डायग्राम के आधार पर कनेक्शन किया है, इसलिए ऑब्जेक्ट आते ही ऑन होता है। इसके पास जैसे ही ऑब्जेक्ट आया ऑन हो गया, जैसे यहाँ पे जब हम कनेक्शन कर देंगे तो उल्टा हो जाए, ऑब्जेक्ट हटेगा तो ऑन होगा, ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑफ होगा। तो इसका वर्क इस आधार पे है, ये और 24 वोल्ट से ये ऑपरेट होता है, इसको सप्लाई 24 वोल्ट चाहिए और इसकी है 300 मिली एम्पियर। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा और आगे आप लोग किस चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो संभव होगा तो सब मैं वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू।